वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर टर्म ऑफ इंश्योरेंस सीरीज़। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रीमियम स्लैब एंड कौन एलिजिबल है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्चुअली ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ ना, ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। इतने सारे टर्म्स के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे कि हु इज़ एलिजिबल टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस और स्लैब जो है मतलब प्रीमियम किस तरीके से बढ़ता है, बिकॉज लोग टर्म और हेल्थ में काफ़ी कन्फ्यूज थे। तो मैं आपको बताता हूँ, द मिनिमम एज जो यहाँ पे है, छोटा बच्चा अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो बच्चे का एज कम से कम 90 डेज होना चाहिए तो वो बंदा पॉलिसी में मतलब बच्चा वो पॉलिसीज में ऐड हो सकता है। और अगर इंडिविजुअल की बात करें तो 18 ईयर्स का एक बॉय होगा तो वो पॉलिसी ले सकता है। तो अभी पहले इसको डिटेल में समझते हैं। छोटा बच्चा है 8 साल 10 साल का, उसको अकेला इंडिविजुअल पॉलिसी मिलेगा ही नहीं, वो अपने पेरेंट्स के साथ में ही ऐड होगा। और अगर मान लो इंडिविजुअल को पॉलिसी लेनी है तो 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, और अगर पेरेंट्स के साथ भी ऐड होना है तो एटलीस्ट 3 महीने का उम्र बच्चे का होना चाहिए। दिस इज़ क्लियर। अब ये एक मैक्सिमम कौन सा पर्सन ले सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम लिमिट 65, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट 65 की दी है, बट मार्केट में 70 साल के बंदों को भी पॉलिसी मिलती है, हमने दिलाई हुई है। तो 65 का मतलब क्या है, मतलब 65 के अंदर अपने को एंट्री करना है। बाकी ये जो सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी के साथ में आती है। आप 100 साल जियोगे तो 100 साल तक कंपनी अपने को रिन्यू करके देती रहेगी। तो ये हो गया फंडा क्लियर। अब यहाँ पे आता है रेट्स कैसे बढ़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपको बताते हैं स्लैब कैसा होता है। तो देखिए, 18 से 25 का एक स्लैब है, फिर 26 टू 30 का एक स्लैब है, 36 टू 40 आप यहाँ पे देखोगे ना, सो ऑन, पाँच पाँच साल के एज ग्रैप पे अपना स्लैब बढ़ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी का प्रीमियम है 10,000 रुपये, तो 5 साल के बाद जब बढ़ेगा ना तो 20-30% तक बढ़ता है, डिपेंड ऑन अलग अलग कंपनी, ये ऐसा कुछ फिक्स रेशियो नहीं है। तो 20-30% हम पकड़ के चलते हैं, लोअर साइड 20 और अपर साइड में 30%। तो इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। इवन यहाँ पे अभी स्लैब का फंडा ऐसा है, कुछ कुछ कंपनी हर साल 5% से अपना पॉलिसी का अमाउंट बढ़ाती हैं। रीज़न वो कहते हैं 7% के इन्फ्लेशन है तो हम 5% से पॉलिसी अमाउंट बढ़ा रहे हैं। कुछ कंपनी क्या करती हैं कि 35 के एज तक प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं करेगी, फिर 35 के बाद में प्रीमियम बढ़ाना चालू करती हैं। तो एन नंबर ऑफ वेराइटीज़ हैं, बट जो स्टैंडर्ड क्लॉज होता है 5-5 साल के गैप पे इस तरीके से प्रीमियम बढ़ता है। तो प्रीमियम स्लैब वाले वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ में। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।